पंजाब भर के अज सत्तवें फेज की वोटिंग हो रही है। सवेरे 7 बजे तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस समय असं लुधियाना के शाहपुर रोड से मौजूद है, तुहानू तस्वीर दिखा दिए जो बूथ नंबर 141 है। उत्थे वोटिंग के लिए लंबी कतारा लगिया हुई हैं। जो लोग वोटिंग करने लिए आए हैं उन्होंने पूछते हैं इस बार किन मुद्दे के उत्ते वोटिंग कर रहे हैं। की नाम है सर? रुपेश। किन मुद्दे से इस बार वोटिंग कर रहे हो? वोट कर रहे हैं अपनी पंजाब की डिवेलपमेंट वास्ते जी। लोगों के जिदा बेरोज़गारी बहुत है अपने पंजाब के, महंगाई बहुत है, इस वास्ते वोट कर रहे हैं कि इन चीज़ों को दूर किया जा सके। की लग रहा है पहले दे जो सके अपने एम पी उन्होंने वालों की काम किए गए थे कि कुछ नहीं होया? एम पी साहब तो कहीं दिखे ही नहीं जी, कहीं जब एम पी आप ही नहीं दिखे तो काम कितों दिखने ने। और भी लोग मौजूद हैं, उन्होंने गलबात करते हैं। की नाम है सर? की नाम है सर? गुरचरण सिंह। सर काफ़ी एज है, सवेरे सवेरे वोटिंग करने लिए आए हो, की मुद्दे इस बार? हाँ जी, मुद्दे की है सर? मुद्दा हेलो कार्ड देख लो, और की मुद्दा भी होना जी। की सोच के आए हो कि मुद्दे तो वोटिंग कर रहे हो, की कुछ चाहते हो जो जीत के तेरे एम पी आने? असं तो कहने भाई सबनों परमात्मा तंदुरुस्ती बख्शे, हर चीज़ की मांग जी उन्होंने पूरी होनी चाहिए। सो कतार दे विच वख वख वर्ग के लोग मौजूद है, जिन्हें बुजुर्ग भी ने, नौजवान भी ने, कोई नौजवान मौजूद ने उन्होंने गलबात कर लेंगे। की नाम है सर? विनोद। सर वोटिंग करन आए हो सवेरे सवेरे, की मुद्दे इस बार वोटिंग करने? एजुकेशन, हेल्थ केयर, होर काफ़ी सारे मुद्दे हैं, बट ए मैं यही अपील करा वध तो वध लोग आ के ए वोटिंग करन। आप लास्ट लैग ऑफ वोटिंग इंडियन जनरल इलेक्शन खड़े हैं, 100 मिलियन के करीब लोगों ने वोटिंग की, दुनिया का सब तो वड्डा डेमोक्रेटिक उपराला है, ते वाद तो वध लोग आ के ए भागीदारी करन, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव। फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं, मैं दूसरी बार का वोटर। तुसी नौजवानों की लग रहा है इस बार नौजवानों के लिए खास मुद्दा की है? देखो नौजवानों लिए या सारे लिए वेलफेयर जड़ा है वो वड्डा मुद्दा है, कि हर इंसान का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जड़ा है उपर जाए, तो सब तो वड्डा मतलब एक मुद्दा जड़ा हर मतलब अक्रॉस द क्लासेस रहूगा वो यही है कि हर इंसान के लिए एक बैटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अवेलेबल हो। बेरोजगारी भी कोई मुद्दा? इंप्लॉयमेंट तो है ही है, वही वेलफेयर के अंदर आ जाता है कि इंप्लॉयमेंट भी मुद्दा है ही है, इंप्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ये तीन चीज़ा जड़िया हैं, ये उपर ही साड़ा रहा है कि ये उपर ज़्यादा वोटिंग होंगी है, ये मुद्दे रहे हैं सारे। की नाम है सर? कुलदीप कुमार जी। सर वोट पा आए हो इस बार, की मुद्दे ने? मुद्दे तो बहुत सारे है जी, लेकिन मुद्दे बंदे यही चाहिए जिनी वोटिंग हो बंदा सही तरह बंदा चलती जाए तो फिर तो ठीक है, वरना आम बंदा तो परेशान है, आम बंदा तो परेशान है। इस चीज़ों का परेशान है की है? महंगाई या बेरोजगारी? महंगाई भी है, किसी की नौकरी नहीं, किसी का क्या नहीं, कोई वेले बंदे ये जे बंदे भी है जिन्हें रोटी खाने का भी कोई नहीं है। यानी कि इस बार जो तुम वोटिंग कर रहे हो बेरोजगारी तो महंगाई के मुद्दे पर? हाँ जी, वो ही है मेन, बंदे का ये चीज़ सही हो सब कुछ होए तो फिर बंदे नूं लोड़ ही कोई नहीं हैगी इस चीज़ की, अगले तो ही पार्टी के शामिल अगले होंगे, हाँ अगले मेन नौकरी की है, नौकरी अगले मिली हो तो कोई ऐसी गल नहीं है, हर बंदा फिर खुशहाल तो ही हो सकता। कुछ महिलावां भी मौजूद ने, उन्होंने गलबात कर लेंगे भी महिलावां लिए इस चुनाव की अहम मुद्दे हैं। की नाम है मैम? चरणजीत कौर। मैम वोटिंग लिए आए हो एक महिला, की लग रहा है इस बार चुनाव के महिलावां के की खास मुद्दे हैं? मैं सोच के तो आए होंगे जो वोट पा आए हो, जिम्मे रसोई देख होंगे कि रसोई महंगाई या कुछ महंगाई घट करनी चाहिए ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सिलेंडर के रेट काफ़ी बढ़ गए ने, सिलेंडर रेट काफ़ी बढ़ गए ने, हर चीज़ महंगाई जो अगर राशन की गल करिए तो काफ़ी रेट बढ़ गए हैं, वो कंट्रोल होनी चाहिए बिल्कुल। यानी कि जो तुम वोटिंग कर आए हो मेन महंगाई है बेरोजगारी? बिल्कुल बेरोजगारी तो एक महंगाई, ये दोनों चीज़ा अगर खत्म हो कंट्रोल हो देश अगर तरक्की करेगा, और प्लस एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो फिर बेरोजगारी भी ठीक होएगी, अनपढ़ता भी ठीक होएगी। एक नौजवान मौजूद है, की नाम है सर? मेरा छोटे कुमार जी। सर वोटिंग लिए आए हो, नौजवानों के की मुद्दे लग रहे इस बारे? मुद्दे इस बार यही है जी, महंगाई तो नशा दूर हो बस। जिम्मे नौजवान हो, बेरोजगारी भी कोई मुद्दा? बेरोजगारी मुद्दा है बिल्कुल है।
सो एक महिला होर ने उन्होंने पूछ की नाम है पूनम शुक्ला मैम वोटिंग करने लिए आए हो की मुद्दे इस बारे में कुछ नहीं पता जो आएगा नहीं वोटिंग के लिए आए हो कुछ सोच के आए हो वैसे देखो सो ये तस्वीर सन जो सवेरे 7 बजे तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है तो तुम एक बार फिर तस्वीर दिखा दिए कि जो वोटिंग के लिए लंबिया कतार लगिया हैं जिते वक् वक् वर्ग के जो लोग हैं जिस नौजवान भी हैं बजुर्ग भी हैं महिलावान भी हैं वह वोटिंग के लिए इतने पहुँचे हैं उन्होंने दसा कि इस बारी वह बेरोजगारी महंगाई समेत अनेक मुद्दों के उत्ते वोटिंग कर रहे हैं सो तुम दूजे बूथां दी तस्वीरां भी दिखावांगे मेरा नाम उर्मिल है हाँ जी अच्छा लग रहा है मुद्दे की मुद्दे की साढ़े जन्म सिद्ध घर है पानी चाहिए वोट अपना मन पसंद नेता चुनना चाहिए विकास ने जो कहते अच्छा नेता जो अच्छा वोट पाने आया डॉक्टर सलूजा वोटिंग करने आए हो हाँ जी हाँ जी कि लग रहा अच्छा लग रहा है जी की मुद्दे ने इस बार मुद्दे बस डिवेलपमेंट होर की है सानू डिवेलपमेंट चाहिए है महंगाई बेरोजगारी वगैरह कुछ हो तो नाल नाल सब कुछ चलता ही रहेगा डिवेलपमेंट हो जाए तो आप ही सारा कुछ हो जाएगा रुपेश कुमार जीत वेब टीवी लुधियाना।